कॉलेज स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन एचडीएस स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट कंप्यूटर। नेक्स्ट हमने रिवीजन वर्क में आपको बुक रीडिंग कराई थी, आज ओपन करेंगे ओपन और बुक पेज 145। चेंजिंग द फॉन्ट साइज एंड द फॉन्ट कलर, आप फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर किस प्रकार चेंज कर सकते हैं। यू कैन मेक योर टेक्स्ट अपीलिंग बाय चेंजिंग इट्स कलर साइज एंड स्टाइल, आप कलर साइज और स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज द फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, इस प्रोसेसिंग को हम फॉर्मेटिंग टेक्स्ट बोलते हैं। दीज चेंजिंग कैन बी मेड इन वर्ड 2013 बाई यूजिंग द फॉन्ट ग्रुप, ये आपको फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे। द फॉन्ट ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द होम टैब, फॉन्ट ग्रुप जो है होम टैब पर प्रेजेंट होती है। विद वेरियस कमांड्स टू चेंज द फॉन्ट साइज स्टाइल एंड कलर, वहीं पर आप अपने फॉन्ट साइज कलर और स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यू हैव द ऑप्शन टू सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड मेक द चेंजिंग और टाइप द न्यू टेक्स्ट इंडिविजुअली। दीज चेंजिंग, चेंजिंग द फॉन्ट, वी कैन चेंज द फॉन्ट इन ऑर्डर टू चेंज द ओवरऑल स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट। टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल फॉलो दीज न्यू स्टेप्स, सिलेक्ट द टेक्स्ट विच यू वॉन्ट टू न्यू ए फॉन्ट, आप इसका फॉन्ट बनाना चाहते हैं। जैसे ही आपने इसमें टाइप कर लिया, आपने बड़ा पे राइट कर लिया, तो आपको जब फॉन्ट चेंज करना है इस प्रकार से उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये दिया गया सिलेक्टिंग, इस पिक्चर्स में आप देख रहे हैं सिलेक्टिंग द टेक्स्ट, क्या देख रहे हैं, ये सिलेक्ट कर लिया है। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो ये ब्लैक सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लैक सा हो जाएगा जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए आपको दिख रहा है, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन मेनू एरो फॉन्ट टाइप इन द फॉन्ट ग्रुप, इसके बाद आप एरो के द्वारा फॉन्ट साइज पे जाएंगे, फॉन्ट ग्रुप पे जाएंगे, सिलेक्ट द फॉन्ट स्टाइल, आप जिस प्रकार टेक्स्ट चाहते हैं उस प्रकार आप चेंज कर दीजिए, आपका फॉन्ट साइज चेंज हो जाएगा। देखिए वहाँ स्मॉल कैपिटल लेटर में था, यहाँ स्मॉल लेटर में हो गया है। चेंजिंग द फॉन्ट साइज, चेंजिंग द फॉन्ट साइज मीन टू चेंज द साइज ऑफ द टेक्स्ट, टू चेंज द साइज ऑफ टाइप फॉलो द स्टेप्स गिवन हियर, सिलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन मेनू एरो ऑफ द फॉन्ट साइज बॉक्स इन द फॉन्ट ग्रुप, सिलेक्ट द फॉन्ट साइज यू वांट टू टेक्स्ट विद अपीयर्स। चेंजिंग द फॉन्ट कलर, आप फॉन्ट कलर को किस प्रकार चेंज कर लेंगे। चेंजिंग द फॉन्ट कलर मीन्स टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट टू मेक द टेक्स्ट मोर अपीयरिंग, यू कैन चेंज द कलर ऑफ द, जब आप कलर को चेंज करेंगे सबसे पहले सिलेक्ट द टेक्स्ट करेंगे, फिर आप फॉन्ट कलर पर जाएंगे तो आपको इस प्रकार से सिंबल दिखाई पड़े दिखाई पड़ेगा, जिसके नीचे कलर का सिंबल होगा, कलर का सिंबल होगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट द कलर ऑफ योर चॉइस फॉन्ट कलर, आप अपने चॉइस के अनुसार चेंज कर सकते हैं। आपने देखा इस प्रकार चेंजिंग द फॉन्ट कलर स्टाइल, पहले सिलेक्ट कर लिया गया, इस पिक्चर्स में आपने देखा कलर से रेड कर दिया गया, तो आपको ये देखिए चेंजिंग द फॉन्ट कलर, ये आपका फॉन्ट कलर जो है वो चेंज हो गया है। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट डे आपको बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन के बारे में बताएंगे। रिवीजन वर्क में देखेंगे व्हाट आर द स्टेप टू सेव ए फाइल, आप अपने फाइल को किस प्रकार सेव कर सकते हैं। हमने जब क्वेश्चन आंसर भी राइट किया तो आपको बताया था टू सेव ए डॉक्यूमेंट फॉलो दी स्टेप्स गिवन बिलो, सबसे पहले क्लिक ऑन फाइल टैब या क्लिक ऑन फाइल मेनू पर जाएंगे, सिलेक्ट ऑन द सेव ऑप्शन, आप सेव ऑप्शन को चूज करेंगे, टाइप द नेम ऑफ योर डॉक्यूमेंट इन द फाइल नेम, आप अपने डॉक्यूमेंट अपने फाइल का फाइल बॉक्स में जो है फाइल नेम देंगे, क्लिक ऑन ओके बटन, नेक्स्ट आप क्लिक कर देंगे ओके बटन पर। नेक्स्ट दिया गया व्हाट इज द टास्क बार, ए हॉरिजॉन्टल बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड द टास्क बार, आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल बार लोकेटेड जो बॉटम तली होती है डेस्कटॉप के उसको टास्क बार बोलते हैं, जो स्टिफ होती है बॉटम में उसे हम टास्क बार बोलते हैं। व्हाट इज द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट कैन नॉट बी सीन और टच, सॉफ्टवेयर एक ऐसा पार्ट कंप्यूटर का होता है जिसको ना हम छू सकते हैं और ना हम देख सकते हैं। होमवर्क नोट कर लेंगे, लर्न क्वेश्चन आंसर्स।